हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू क्लास फोर? आई होप यू ऑल आर विल बी गुड। ओके, यस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी। ओके, आज मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी बच्चों? हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है? और कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर 6 यानी पाठ 6, ठीक है? और ये आपका जो 6 चैप्टर है वो है वचन, ठीक है? क्या है बच्चों? वचन यानी नंबर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, वचन क्या होता है आपको पता है? क्या होते हैं नंबर? ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये नंबर ही तो होते हैं। अभी देखिए हिंदी में ये क्या होते हैं, यानी संज्ञा शब्द का वह रूप, ठीक है? संज्ञा शब्द का वह रूप, संज्ञा शब्द का वह रूप। अब सबसे पहले तो ये बताइए संज्ञा क्या होता है आपको पता है? संज्ञा क्या होते हैं? यानी किसी का नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। ओके, यानी क्या होते हैं संज्ञा आपको पता है? यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, जगह का नाम, कोई फेमस चीज, कोई फेमस व्यक्ति, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती है, ठीक है? अब देखिए संज्ञा का वह रूप जिससे उनके एक या एक से अधिक होने का पता चले, होने का पता चले वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? वचन कहलाते हैं। जैसे हमने बताया कि संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम वाम, ये सारी चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है? अब देखिए जैसे कोई एक चीज़ है, एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? उदाहरण देखिए, जैसे है कि जैसे लड़का दौड़ रहा है, ठीक है? या मेरे पास 2 कलम हैं, ठीक है? तो मेरे पास कितनी पेन हैं? 2 है, तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया या बहुवचन हो गया? बहुवचन हो गया, क्योंकि ये क्या है, 2 है इसीलिए, ठीक है? अगर मैंने बोला मेरे पास 1 पेन है, मेरे पास, देखिए बच्चों अभी पहले मैंने आपको बताया था कि ये बहुवचन है, ठीक है? तो अभी लेकिन हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? वचन पढ़ा रहे हैं। तो ये वचन तो है लेकिन वचन में ये बहुवचन है, ठीक है? अभी आप केवल इसी का एग्जांपल जानिए, इसके बाद आपको हम एक वचन और बहुवचन का एग्जांपल बता रहे हैं। मैंने जैसे ये एक, ये वचन तो है लेकिन ये किस टाइप का वचन है? ये बहुवचन है, ठीक है? अभी इतना जानिए, उसके बाद अब आपको ये समझ में आया कि वचन किसे कहते हैं, यानी संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे उसके होने, उनके एक या एक से अधिक होने का पता चले, वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 2 कलम है तो ये एक वचन है, ठीक है? और किस टाइप का वचन है? ये बहुवचन है, ठीक है बच्चों? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी टॉपिक वचन के भेद। क्या है? वचन के भेद। हमारी टॉपिक है वचन के भेद। अब वचन के कितने भेद होते हैं, यानी वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? देखिए वचन के, जिस तरह हम आपको राइट करा रहे हैं बच्चों उसी तरह आपको राइट करना है, ठीक है? वचन के 2 भेद होते हैं, देखिए कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है? एक वचन और बहुवचन, ठीक है? यहाँ आप राइट कर लीजिए कि वचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है?
एकवचन और बहुवचन। अब देखिए एकवचन क्या होते हैं, एकवचन यानी एकवचन वो होते हैं शब्द के जिस रूप से, यानी जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से उनके संख्या में एक होने का पता चले, उनके संख्या में एक होने का पता चले, एक होने का पता चले वो क्या कहलाता है, एकवचन कहलाता है, एकवचन कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, अब जैसे है कि लड़का क्या हो गया, जैसे हो गया बच्चों कि लड़का, लड़का क्या हो गया एकवचन हो गया, माला, माला क्या हो गया एकवचन हो गया। अभी ये केवल आपको शब्द में दिया गया है, अगर ये सेंटेंस में होता तो लड़का दौड़ रहा है तो क्या हो गया एकवचन हो गया क्योंकि लड़का है। अभी हो जाता कि लड़के दौड़ रहे हैं तो ये किस में हो जाता कि बहुवचन में हो जाता कि लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में बच्चों, और आपको अपना सारा वर्क किससे देख के करना है, वीडियो से देख के करना है। ठीक है, आप सबसे पहले वचन की डेफिनेशन डालेंगे और वचन के भेद राइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर, इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अब ये है बहुवचन, यानी वे शब्द जिससे, एक वचन में क्या होता है उनके एक होने का पता चलता है, और वे शब्द जिससे उनकी संख्या में, जिससे उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक वचन का आपको एग्जांपल बताया, बहुवचन कहलाते हैं। एक इसका एग्जांपल देखिए, उसमें था लड़का और इसमें हो गया लड़के, उसमें था माला और इसमें हो गए मालाएं। ठीक है, मेरे पास माला है और मेरे पास बहुत सी मालाएं हैं। ठीक है, अगर ये था आपका किसमें था, शब्द में, और वो हो गया वाक्य में। अब देखिए आपको बहुत ढेर सारे वचन और बहुवचन दिए गए, यानी एक वचन और बहुवचन, बेटा बेटी, मेला मेले, चूहा चूहे, पत्ता पत्ते, ठेला ठेले, तोता तोते, बच्चा बच्चे, रुपया रुपये, बगीचा बगीचे, आँख आँखें, रात रातें, बूंद बूंदे, सड़क सड़कें, भेड़ भेड़े, बात बातें, चादर चादरें, पौधा पौधे, थैला थैले, बछड़ा बछड़े, दवाई दवाइयाँ, टोपी टोपियाँ, छतरी छतरियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, कहानी कहानियाँ, माला मालाएँ, कथा कथाएँ, वधु वधुएँ, बहु बहुएँ, मछली मछलियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, छात्र छात्राएँ। तो ये सारे एकवचन और बहुवचन आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। अब देखिए एकवचन और बहुवचन यहाँ भी दिए, कन्या कन्याएँ, लड़की लड़कियाँ, कक्षा कक्षाएँ, बकरी बकरियाँ। ठीक है, अब देखिए ये वचन से संबंधित कुछ बातें आपको दी गई हैं, अपनों से बड़ों तथा किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे चाचा जी कल दिल्ली से आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, मेरे चाचा जी कल दिल्ली से आ गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारत का महान नेता था, तो ये क्या है, रॉन्ग है, सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया का रूप भी क्या होता है, बदल जाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है तो बच्चे खेल रहे हैं, देखिए जब बच्चा है और रहा है तो बच्चे और रहे दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें चेंज होते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, जनता, घी, पानी, वर्षा आदि, ये सब एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
अब ये नहीं कि कहीं आकाश हो गया तो आकाश से हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो ऐसे ही प्रयोग होगा। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर। ये क्या है, ये एक वचन होने पर भी सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनमें जन, गण, वृंद, लोग आदि लगाते हैं, जैसे शिक्षक गण, गुरुजन, अध्यापक वृंद, डॉक्टर लोग। ओके, अब ये था बच्चों आपका क्या, ये आपका था चैप्टर 6। ओके, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो आपको हिंदी फर्स्ट भी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए वचन किसे कहते हैं, तो आपको सबसे पहले मैंने किसकी डेफिनेशन बताया, वचन की डेफिनेशन बताया, तो आपको अपने फर्स्ट आंसर में वही राइट करना है। ठीक है, या फिर चलिए शब्द के जिस रूप से, हाँ वही आंसर आप क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर आपका है। ठीक है, जिस शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले वचन कहलाते हैं, एक या एक से अधिक। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। थर्ड नंबर है, सदैव एक वचन में रहने वाले पांच शब्द बताइए। तो देखिए सदैव एक वचन में रहने वाले पांच शब्द कौन कौन से हैं, आकाश, जनता, घी, पानी, वर्षा आदि। ये देखिए, ठीक है, ये है आपका थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, अब है सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले पांच शब्द बताइए। तो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले बच्चे पांच शब्द हैं, कौन कौन से, ये देखिए जन, गण, वृंद, लोग आदि। ठीक है, ये यहाँ तक, ये सॉरी बच्चों ये वाला नहीं है, ये वाला है आपका आंसर ये। ठीक है, वो गलती से हो गया, ये है आपका फोर्थ नंबर आंसर। ठीक है, अब देखिए आपका है सही विकल्प, एक या अनेक का बोध कराने वाले संज्ञा क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। वचन के भेद हैं दो, सदा एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है हस्ताक्षर, सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है दर्शन। ठीक है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई हैं, आज़ाद ने पेड़ से चार आम तोड़े, बगीचे में फूल खिले हैं, पानी में मछलियाँ तैर रही हैं, कुर्सी कुर्सियाँ, कक्षा कक्षाएँ, सड़क, चूहा चूहे, कन्याएँ कन्या, चादर चादरें। ये वचन को बदल कर राइट करना था। ठीक है, अब है आपका ये भी वही है, बकरियाँ बकरी, पौधा पौधे, छात्राएँ छात्रा, दवाइयाँ दवाई, कहानी कहानियाँ, लड़कियाँ लकड़ियाँ लड़की। इसमें लकड़ियाँ लिखा है, तो लकड़ियाँ का क्या होगा बच्चों, लकड़ी होगा। ठीक है, लकड़ी, लकड़ियाँ और लकड़ी। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहे हैं, तो घोड़ा दौड़ रहा है, फूल पर तितली बैठी है, फूलों पर तितलियाँ बैठी है, मालकिन ने सभी नौकरों को बुलाया, मालिक ने सभी नौकरानियों को बुलाया, आम बहुत मीठे हैं, आम बहुत मीठा है, गुलाब की कली खिल गई, गुलाब की कलियाँ खिल गई। अब देखिए इसे, यहाँ नीचे थैले में एक वचन और बहुवचन दिए गए, उन्हें निकाल कर अलग अलग टोकरियों में लिखें। आपको ये फिगर क्या करना है, कॉपी में बनाना है। ऐसे करिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, इधर और इधर, और बीच में ये बैग बना हुआ है, तो आपको बना कर कलर करके मेरे पास वर्क सेंड करना है। ठीक है, आपको टाइमिंग पता है, और बच्चों ग्रुप में कोई भी अदर मैसेज नहीं सेंड करेगा। ओके, डोंट सेंड अदर मैसेज इन क्लास ग्रुप। ओके, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू क्लास।